अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसी तरह आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, उसमें HTML है, या आपकी जावा है, या आपका और जो प्रोग्रामिंग है C++ है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के मैंने वहाँ पे लेक्चर्स रखे हैं अपने रिकॉर्डेड। तो आप उस चैनल पे जाइए www.youtube.com/teachersonlineforyou पे जाके वहाँ पे आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो ACC501 बिजनेस फाइनेंस का जो हमारा क्विज नंबर 1 आया हुआ है उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग अपना क्विज शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्विज में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से चैप्टर से आए हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ नेट इनकम इज ₹30,000 एंड टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग इज ₹10,000, द अर्निंग पर शेयर EPF will be। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं हम, जब हमारी जो टोटल इनकम है उसको हम डिवाइड करते हैं अपने आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 30,000 और उसको हम डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 3 आ जाएगा। तो 3 वाला जो इसमें थर्ड ऑप्शन है वो हमारा इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर, कि कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर जो है शेयर होल्डर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसमें मैक्सिमाइज करंट ईयर इनकम, डिले इन पेमेंट ऑफ सप्लायर, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री मेंटेनेंस, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस, या हम कह सकते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर, वो यही है के शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। मतलब इसमें जो लास्ट वाला है, फोर्थ वाला, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, तो ये वाला हमारा जो है इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेटवर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जिससे हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसिस हैं वो मीट हो रहे होते। अब इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट एफर्ट्स, करंट एफर्ट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एफर्ट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज एंड नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो होता है हमारा करंट एफर्ट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, मतलब हमारा जो दूसरा जवाब है इसके अंदर वो इसका ठीक जवाब है। इसी तरह हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें आपकी लीस्ट रेगुलेट है, टैक्स वंस एज पर्सनल इनकम है, लिमिटेड टू लाइफ ऑफ द ऑनर है, और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो ऊपर वाले जो दोनों हैं कि टैक्स भी एक बार पे होता है और इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब रेगुलेटरी लॉ से रिलेटेड भी इतना कोई अमल दखल नहीं होता, तो इसमें जो थर्ड वाला है लिमिटेड लाइफ ऑफ द ऑनर, ये इसका ठीक जवाब है। फिफ्थ नंबर पे है जी, द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टॉक होल्डर एंड मैनेजमेंट इज नोन एज, एजेंसी प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट है, मैनेजमेंट कंफ्लिक्ट है एंड एजेंसी कॉस्ट है। तो इसमें जो शेयर होल्डर का मोस्टली जो इंटरेस्ट होता है और उनके दरमियान जो कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है वो मोस्टली इंटरेस्ट ऑफ कंफ्लिक्ट होता है, मतलब फायदे का कंफ्लिक्ट। तो इसमें जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। ये था दोस्तों हमारा फिफ्थ क्विज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसमें इजी टू स्टार्ट है, बिजनेस इनकम इज कंसिडर्ड एज पर्सनल इनकम, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लास्ट में है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसमें सारे जो हैं वो करेक्टरिस्टिक हैं हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, तो लास्ट वाला जो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ फर्म रिपोर्ट टोटल लाइबिलिटीज 3 लाख एंड ऑनर इक्विटी 5 लाख, व्हाट वुड बी दी टोटल वर्थ ऑफ द फर्म इफ इट्स। अब इफ इट्स ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी है कि इफ इट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, इट मीन्स के वी आर एडिंग द लाइबिलिटीज विद द ऑनर इक्विटी, देन वी हैव टू गेट द टोटल इफ़ेक्ट। तो हमारे पास जो है लाइबिलिटीज 3 लाख हैं और हमारी जो इक्विटी है वो 5 लाख है, तो इसे हमारे जो टोटल इफ़ेक्ट हैं अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो वो 8 लाख बनता है। तो हमारे टोटल इफ़ेक्ट जो हैं वो 8 लाख हैं, मतलब इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट इफेक्ट्स आर लेस देन द करंट लाइबिलिटीज, जब आपके करंट इफेक्ट्स जो हैं वो कम होंगे करंट लाइबिलिटीज से तो क्या होगा। द वैल्यू ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इज ग्रेटर देन जीरो, द वैल्यू ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इज लेस देन जीरो, और द वैल्यू ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू जीरो, और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो इसमें जो सेकेंड वाला है द वैल्यू ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इज लेस देन द जीरो, ये इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब कैटेगरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है और अकाउंट्स एंड ट्रेजरी दोनों आ जाते हैं, और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो इसमें जो दोनों डिपार्टमेंट हैं ये बेसिकली सब कैटेगरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो थर्ड वाला जो है वो हमारा इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी, इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस विच ऑफ द गिवन फैक्टर मस्ट कंसीडर, रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट है, और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। व्हेन वी आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल बिजनेस यू हैव टू फेस द एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द गवर्नमेंट एटीट्यूड, इट मीन्स कि हमारा जो लास्ट वाला है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। तो दोस्तों ये था हमारा क्विज ACC501 बिजनेस फाइनेंस का। दोस्तों फिर वही बात, 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए और वहाँ पे आपको CS101, MGT101, CF201, MGT201, HTML, वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, ऑफिस, इन सब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप लोग ओपन कीजिए www.youtube.com/teachersonlineforyou, जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेक्चर से फायदा उठाइए। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट या क्विज के अंदर, उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।